नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा, और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। रांची सदर अस्पताल परिसर से ड्रग एंड फूड कंट्रोल के कार्यालय में रखे दवा के हजारों सैंपल और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की चोरी होने के बाद अब इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का फरमान जारी किया गया है, और साथ ही औषधि नियंत्रण ऋतु सहाय पर भी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बताया आपको कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को 7 बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं, और इसमें रांची स्थित मेमर्स विश्वनाथ फार्म्यूटिकल पंड्रा पर जांच करने का आदेश दिया गया है। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट कि कैसे ड्रग कंट्रोल विभाग के द्वारा जब्त की गई करोड़ों की दवाइयां रांची सदर अस्पताल से चोरी हो गई थी। रिपोर्ट देखें। रांची से बांग्लादेश तक होती है दवा तस्करी, नशीली दवाइयों की होती है स्मगलिंग। भारत के 60 रुपए की कफ सिरप बांग्लादेश में बिकती है 1000 रुपए में। ड्रग कंट्रोल ऑफिस के लोग भी हैं सिंडिकेट में शामिल। रांची से बंगाल और फिर बांग्लादेश होती है तस्करी, लेकिन किसी ड्रग इंस्पेक्टर को कुछ पता ही नहीं। क्या ये संभव है? 27 नवंबर की सुबह जब रांची सदर अस्पताल स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिस का मुख्य द्वार खोला गया, कर्मचारी हैरान रह गए। सभी अलमारियां खुली हुई थीं और दवाइयों के सैंपल बिखरे हुए, फाइलें इधर उधर पड़ी हुई थी। रांची सदर अस्पताल परिसर में ड्रग कंट्रोल ऑफिस में 26 नवंबर की रात में चोर आए। चोर ने आके सीढ़ी से ऊपर जो छत होती है उसका ताला तोड़ा और नीचे उतरे, और यहाँ पर दो कमरे हैं, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लिखा हुआ दो कमरा है, ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का बताया जाता है। ये दोनों कमरे के ताले टूटे हुए पाए गए, लेकिन अंदर में कोई खास सामान नहीं है, सिर्फ फर्नीचर है और बरसों से इसका कोई उपयोग नहीं हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जो चीजें बिखरी हुई दिखाई दी हैं वो इन अलमारियों में से जितने भी सैंपल्स होते हैं वो बिखेर दिए गए थे नीचे। संदीप जी यहाँ के जो क्लर्क हैं वो उन्होंने नोटिस किया। अब आप आए तो क्या देखा? हम लोग आए, ऑफिस खोले 10 बजे तो देखा कि बाहर से पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं तो देखे पूरा सामान फेंका हुआ है, मतलब फाइल था, सैंपल उम्पल गिरा हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग तुरंत उसको बंद किए ऑफिस को और बाहर बैठ गए, और अपने पदाधिकारी को फोन किए, पदाधिकारी आए तो फिर खोले, फिर पुलिस थाना उन्हों को बुला के फिर उन लोग देखे। बस यही बात, उन्हीं लोग के समय पता चला कि कुछ सैंपल था जिसका हम लोगों को पता नहीं है, वही कुछ सैंपल था गायब हुआ। बस आप ही के दस्तखत हैं, आप ही का दस्तखत से FIR हुआ है। कागजात और फाइल कौन कौन सा आपने मेंशन किया? उस समय तो बताया गया था, लेकिन हम लोग फाइल देखे तो फाइल वैसा कुछ मिसिंग नहीं, अभी तक नहीं मिला है। खाली एक जो मैडम लोग बताई कि उसी हिसाब से दवा एक था, उसमें से कुछ सामान दवा निकल गया। तो अब जो है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, कोई और फर्दर कोई अटेम्प्ट हो? सुरक्षा व्यवस्था मतलब चाहिए यहाँ डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम लोग हाँ क्योंकि किनारे पड़ता है, रात में क्या होगा, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कुछ है नहीं। सुरक्षा व्यवस्था होने से तो बढ़िया हो जाता हम लोग का कार्यालय। तो आप आए तो आपने देखा कि ये अलमारियां जो हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं, और इसमें से सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी। इसमें क्या क्या था? वो कफ सिरप वगैरह, कफ सिरप था कि नहीं था, दवा था, दवा टोटल बहुत सा सैंपल रहता है वो नीचे फेंका हुआ। ऐसा लगता है कि कोई ढूंढ रहे थे खास चीज? नहीं, इसके बारे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब ड्रग बिखेरा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं, कोई भी सामान ऑफिस का नहीं गया, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे हार्ड डिस्क सब के बारे में वो सब कुछ नहीं गया।
ड्रग कंट्रोल कार्यालय में ड्रग इंस्पेक्टर पुतुली बिलुंग के चैम्बर का भी ताला टूटा हुआ था और उनके द्वारा रखे गए दो रेड के दौरान जब्त किए गए सैंपल भी गायब मिले। और सुखदेव नगर थाना में हमने किया था विदाउट लाइसेंस पे जब्ती बनाई थी। जब्ती तो थाना में हमने और सुपुर्द कर दिया है थाना को, लेकिन उसके सैंपल हमने नमूना लिया गया था जांच के लिए। तो वो जांच के लिए तो सभी मेडिसिन हमने भेज चुका है ऑलरेडी, और उसके दो पोर्शन जो कोर्ट के लिए जो साक्ष्य के लिए हमने रखा था वो भेज। कौन मेडिसिन थी? वो नाइट्रोसन 10 टैबलेट थी एंड ऑनरेक्स, वो भी कफ सिरप थी। ये भी नशा के लिए लोग यूज करते हैं, हमारे लिए तो ये मेडिसिन ही है। यस। और आपको क्या लगा, क्या ढूंढ रहा था? इसमें दो मैंने लगता है कि कोई नशेड़ी भी हो सकता है, वो अपने कुछ उन्हें पता होगा कि ड्रग डिपार्टमेंट की ये ऑफिस है, लोग इस तरह के हम लोग हमेशा बराबर कफ सिरप और ये सब के सैंपलिंग करते हैं। मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस में था तो ड्रग इंस्पेक्टर और उनके साथ एक स्टाफ उनके आए कि मेरे ऑफिस में चोरी हो गई है रात में, और वो जो उनका ऑफिस है वो ब्लड बैंक के बगल में है तो इस कैंपस में, लेकिन उस ड्रग जो डिपार्टमेंट है उसका हम लोगों से कोई ये नहीं है, उसका कंट्रोल सब कुछ सारा कुछ होता है निदेशालय से, ड्रग डायरेक्टरेट से सब कुछ होता है उसका। तो उन्होंने आके बताया कि कुछ सैंपल रखा हुआ था, वो सैंपल और कंप्यूटर का हार्ड डिस्क चोरी हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि चोर कफ सिरप चुराने आए। FIR में कई सामानों के चोरी होने की शंका जताई गई है जिनमें जरूरी कागजात भी हो सकते हैं। नशा और इस्तेमाल में लाई जाने वाली कफ सिरप, उनकी सप्लाई से जुड़े दस्तावेज और फाइलें भी चोरी हो सकती है। कि नहीं, लेकिन उस पे अभियोजन भी दायर हो गया है शायद, या हमारे जो इससे पहले जो भी ड्रग इंस्पेक्टर थे, संभावना है कि वो भी। अब ये नहीं कहा जा सकता है, हमको पूरी तरह इसकी नई जानकारी मिल रही पा रही है, नहीं कन्फर्म। संभावना आपने जताई है कि कई फाइल और सैंपल्स और भी ये हो सकते हैं, ये मिलान करने पर उसका पता चल सकता है। ये भी बातचीत में भी ऐसा लगा था ये कुछ ढूंढ रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि सब सारे ड्रग इंस्पेक्टर के टेबल में उन्होंने फाइल्स और मेडिसिन की जो सैंपल थे सबको उन्होंने बिखेर दिया था, पता नहीं हर टेबल के ड्रॉवर में उन्होंने कुछ सर्च किया है। यकीनन इस चोरी के तार बांग्लादेश तक नशा और खांसी की दवाइयों की स्मगलिंग रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। ड्रग कंट्रोल मुख्यालय में सुरेंद्र प्रसाद नाम के एक अधिकारी का नाम चर्चा में है जो हाल ही में सेवा से रिटायर हुए। उनके बारे में चर्चा है कि वो रांची से बांग्लादेश के बीच दवाओं की स्मगलिंग के किंगपिन है। हमने सुरेंद्र प्रसाद से उनका पक्ष जानने के लिए बातचीत का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमें टाल दिया। हेलो, हाँ सुरेंद्र जी, बोल रहे जी? हम शाहनवाज बोल रहे हैं न्यूज 11 से। बोलिए। तो आपसे मिलना था, थोड़ा जरूरी काम था। क्या काम था? अब फोन पर क्या बताया जाए, हम रिटायर कर चुके हैं साहब। हाँ सर, मालूम है। तो आप ही से कुछ रिलेटेड चीज है मेरे पास, आपसे डिस्कस करके आपको दिखाना था। अच्छा जी, ठीक है। अभी बाहर हैं हम। अच्छा, रांची से बाहर हैं, लौटेंगे तो आपको इस नंबर पर फोन कर लेंगे। कब तक हम एक्सपेक्ट करें? दो तीन दिन लगेगा। अच्छा, दो तीन दिन में आपको फोन करें। जी जी। आवाज कहाँ पर है सर आपका? सुरेंद्र प्रसाद दवा घोटाले के आरोपियों में से एक रहे, लेकिन अभी से पूर्व के स्वास्थ्य सचिव के चहेते होने के कारण इन्हें कोविड पीरियड में खरीदी जाने वाली इमरजेंसी मेडिसिन और यंत्रों का इंचार्ज भी बनाया गया। तब हमने ही ये सवाल उठाया था कि इस दागी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आखिर दी क्यों गई है। चोर सिविल सर्जन कार्यालय में भी पहुंचे थे, लेकिन ऑफिस का मुख्य ताला ही खोल पाए सिविल सर्जन ने कहा कि उनके कार्यालय के तमाम दस्तावेज और फाइलें फिलहाल सुरक्षित। हमको पता चला कि यहाँ भी घुसा हुआ था, तो घुसने का तो कोई एंट्रेंस पॉइंट नहीं मिला, लेकिन जो ताला बाहर से निकलने का कोई एक आउटडोर था वो तोड़ के निकला था।
तो यहाँ का कुछ सामान तो गायब नहीं हुआ, लेकिन मैं वही स्वास्थ्य विभाग में पिछले दो साल में होने वाली दवाओं और मेडिकल यंत्रों की खरीद में भी भारी घोटाला हुआ है। इसके साथ साथ बांग्लादेश भेजे जाने वाली कफ सिरप सिंडिकेट की भी CBI से जांच होनी चाहिए। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, जिस तरीके से इस चोरी की घटना हुई है, हो सकता है इसे चोरी का शक्ल दिया जा रहा हो और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि ये जो नॉर्मल चोर उचक्के होते हैं उनके काम हो सकते हैं, ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। अब इसका असर ये हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है, एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। हाँ, देखिए इस खबर को न्यूज 11 ने काफी प्रमुखता से दिखाई थी और क्योंकि ये मामला जो है आम लोगों से जुड़ा था और नकली दवा थी और साथ में जो कफ सिरप जो नशीली दवा, ये दो मामले थे और एक बड़ा रैकेट था जो कि पंडरा में विश्वनाथ फार्मास्यूटिकल जो है उसी के यहाँ से ये छापेमारी हुई थी। अब सोचिए तमाम जो दवाएं हैं वो यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में लाकर रखा गया था और सोचिए चोरी हो जाती है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क चोरी हो जाता है, क्या कोई सामान्य चोर कंप्यूटर का हार्ड डिस्क चोरी कर पाएगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जो लोग इस रैकेट में इन्वॉल्व थे उन तमाम लोगों की सहभागिता रही है। देखिए सवाल ये भी उठ रहा है राजा कि जो ड्रग कंट्रोलर है रितु सहाय, उन पे भी जांच की मांग जो है लगातार उठ रही थी और ये भी उनके विभाग के लोगों ने ही कहा है कि जब ये कहा गया कि ये मामला जब नशीली दवाओं का मामला है तो इसे अलग तरह से जांच कराया जाए नारकोटिक से, लेकिन उन्होंने इन बातों का जो है साफ तौर से इनकार किया। आखिर क्यों इनकार किया? कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। न्यूज 11 भी इन चीज़ों को लगातार बताता रहा कि ये जो चोरी है और ये जो नकली दवा है और ये जो नशीली दवाओं का जो कारोबार है, ये कोई बाहर के लोग भी नहीं है, इसमें ऑफिस के लोग भी इन्वॉल्व हैं और यही वजह है कि जो साक्ष्य रखे गए थे उन साक्षियों को वहां से हटा दिया गया, चोरी कर लिया गया। अब जब कोर्ट में प्रोड्यूस करने की बात होगी तो यहाँ मामला जो है कमजोर पड़ जाएगा, तो ये आप समझ सकते हैं। भले उसके सैंपल बाहर भेजे गए हैं लेकिन जो आपको एविडेंस के तौर पे जो रखना था उसकी चोरी हो जाती है, तो इसका मतलब, इसका मायने यही था कि कहीं ना कहीं कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे और साक्ष्य को मिटाया गया है। लेकिन अब जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं, कमिटी गठित की गई है, तो अब देखिए जांच होती है, अब आगे क्या निकलता। लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है राजदा। देखिए ये जो पूरा रैकेट है, पहले भी हम लोगों ने दिखाया, ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है जो नशीली दवा जो कफ सिरप जो है इसका कारोबार रांची से जो है बांग्लादेश की ओर होता है, तो एक बड़ा रैकेट है और इसमें सदर हॉस्पिटल के कई जो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी भी सहभागिता है। ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है और यही वजह है कि साक्ष्य को हटाने का प्रयास किया गया, हार्ड कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है उसे चोरी कर लिया गया है, तो तमाम जो सबूत हैं वो मिटा दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये मामला संगीन एक अपराध है और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों ने लगातार ये खबर भी दिखा रहे हैं राजदा, किस तरह से रांची और झारखंड का युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा, शाम होते लोग जो है कफ सिरप खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है और इस रैकेट को तोड़ना जरूरी है क्योंकि प्रतिदिन 4 से 5 युवा जो है ऋण पास पहुंच रहे हैं, तो आप समझिए पैसे कमाने के लालच में युवाओं की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है और पूरी तरह से एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था और साक्ष्य जो मिटाया गया है ये एक जांच का विषय है। अब जांच आगे बढ़ेगी और जांच के बाद क्या मामला निकल कर आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन कई लोगों की सहभागिता है जिसमें विभाग के लोग भी हैं। बिल्कुल अंजनी, किसी एक से ये काम होना नामुमकिन है और कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह है जिसका पर्दा फाश होना बेहद जरूरी है। न्यूज 11 भारत लगातार ऐसे खबरों को दिखाता है और उस पर कार्रवाई होती है क्योंकि ये सीधे लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं। जाहिर तौर पर आखिर कौन है वो
जो इतना बड़ा रैकेट चला रहे हैं और ड्रग कंट्रोलर ऑफिस से इस तरीके से दवाओं की चोरी हो रही है, इसे एक चोरी का शक्ल दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किनकी मिली भगत के वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब 7 बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए गए हैं अंजलि, जाहिर तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जांच में पता चलता है और वैसे लोग जो इस गिरोह को चला रहे हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हाँ देखिए, जांच जब बैठेगी तो जांच कमेटी जो है अपना एक रिपोर्ट जरूर देगी, लेकिन जो अलग अलग बिंदु जो है राजदा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि ये पहला ट्रेस आउट करना होगा कि इस ये जब यहाँ जब दवा रखी गई थी किन्हें किन लोगों को जानकारी थी, वो एक बड़ी बात है। दूसरा है कि इसके साथ किनका कनेक्शन है, क्योंकि ये हमने पहले भी कहा है कि इसमें विभाग के लोगों की भी सहभागिता है, और यही वजह है कि जो सैंपल के तौर पे लगभग 1 करोड़ से ऊपर की दवाइयाँ जब्त की गई थी और वहाँ जो पंडरा में जो दवा दुकान है, जो फार्मास्यूटिकल है, उसे सील किया गया है। तो हमें लगता है कि एक तो टारगेट वो होगा, लेकिन जो ये जांच का विषय के साथ साथ ये भी होगा कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इनको इन बात की जानकारी थी, छत से लोग घुसते हैं और चोरी करके चले जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो काम की जो चीजें थी वो तमाम चीजों को हटाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये हमें लगता है कि वहाँ के कर्मचारी, वहाँ का गार्ड, तमाम लोगों को पता होगा कि ऊपर के रास्ते से आते हैं, आराम से लेकर निकल जाते हैं, और पता चलता है, कहा जाता है कि ये चोरी है। ये चोरी नहीं है, ये इसलिए ऐसा किया गया है कि इसमें जो साक्ष्य है उसे हटा दिया जाए और इसमें जो बड़ा रैकेट काम कर रहा है और उसमें प्रशासन आगे तक नहीं पहुंचे, लेकिन प्रशासन के हाथ भी काफ़ी लंबे होते हैं। तमाम जो लोग हैं वहाँ, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तमाम लोगों का फ़ोन कॉल्स भी ट्रैक किया जा सकता है। जांच के अलग अलग कई बिंदु होते हैं, तो हमें लगता है कि जो कागजी कार्रवाई होगा, तमाम चीज़ों का एक जांच रिपोर्ट जो कमेटी देगी, लेकिन हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर सीबीआई या तमाम जो बड़े संस्थान हैं उनसे जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, ये मामला इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा है, ये मामला युवाओं को बर्बाद करने से जुड़ा है, ये मामला नकली दवाओं से जुड़ा है, तो ये मामला कफ सिरप के कारोबार से जुड़ा है, क्योंकि जो नियम है कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के आप कफ सिरप नहीं दे सकते हैं, तो तमाम चीज़ों को नियमों की धज्जियां उड़ाता गया है, और ऐसे में एक बड़ा जो गिरोह है, हमें लगता है कि जहां से तमाम चीज़ें सामने जरूर आएंगी और आना भी चाहिए, क्योंकि सदर हॉस्पिटल में रखा गया था और वहां से चोरी होती है, तो तमाम चीज़ें जो हैं जो चीज़ें हो रही हैं वो तमाम अलग अलग रणनीति के तहत हो रही हैं। तो हमें लगता है, जिस तरह से देखिए रांची के सिविल सर्जन ने उस दिन कहा कि ये सिविल सर्जन से जुड़ा मामला नहीं है, ये मामला कहीं ना कहीं निदेशालय से जुड़ा है, यहाँ सिर्फ सामान रखने की जगह दिया गया था। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों पे निदेशालय से जुड़ा है, तो निदेशालय से भी क्या किसी का इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई पूर्व अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है, क्या कर्मचारियों, तो तमाम लोगों से बातचीत जांच कमेटी को करनी चाहिए, और जांच के अलग अलग बिंदु होंगे जो तमाम चीजों का ट्रेस आउट हो सकता है। राजदा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि तमाम जानकारियों के लिए। और अब सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी शहनवाज अख्तर, मौजूद है फोन लाइन पर। शहनवाज, जिस तरीके से न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, सदर अस्पताल परिसर से ड्रग एंड फूड कंट्रोल के कार्यालय में रखे गए दवाइयों की चोरी मामले में ये बड़ा संज्ञान लिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। जिसमें खा के पी के उसको नशा होता है, खांसी के खास करके जो कफ सिरप होती है जिसमें अल्कोहल बेस होता है, वो दवाएं यहाँ से बांग्लादेश स्मगल की जाती हैं, ये इसका इनपुट मिला था न्यूज 11 को। और इसमें खुद ही ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के
उच्च अधिकारियों का हाथ था और एक रिटायर्ड अधिकारी हाल ही में रिटायर हुए हैं उनका हाथ होने की पूरी संभावना थी और उसकी चर्चा थी, विभाग को इनपुट दिया गया था बाकायदा। तो उसको इस लिंक को पकड़ करके हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और फिर विभाग में जाकर के उसके बारे में छानबीन करने के बाद फिर उस व्यक्ति के घर पे भी गए तो वो अपने घर पे भी नहीं मिला। और जाहिर है ये यहाँ से बांग्लादेश जो दवाएं भेजी जाती हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक दवाई, एक जो दवा की शीशी होती है यहाँ 40 से 60 रुपए में मिलती है इंडिया में, और बांग्लादेश में चूंकि बैन है इसलिए ब्लैक में वहाँ 1000 रुपए के आसपास में एक फाइल वहाँ पर बिकती है और वहाँ पर नशा के लिए स्टूडेंट्स उसका इस्तेमाल करते हैं। बड़े घरों के जो बच्चे होते हैं बिगड़े हुए वो उस नशा और खांसी की दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इसलिए इसको सिंडिकेट बना करके यहाँ से स्मगल किया जाता है। बांग्लादेश बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, यहाँ से बंगाल की सीमा तो आप यहाँ से जाएंगी तो मूरी से ही इसके बाद से ही चालू हो जाता है। तो बाकायदा रास्ते में जितने ड्रग कंट्रोलर होते हैं झारखंड सरकार के वो तमाम उस नेटवर्क का हिस्सा थे, उस सिंडिकेट का हिस्सा थे, उस प्रॉफिट के हिस्सेदार थे। और अब बेहतर है कि सरकार ने भी जांच का आदेश दिया है तो ये जल्द से जल्द इसका खुलासा हो कि कौन लोग इसमें शामिल है। एक बहुत गलत बात है कि एक सरकारी अधिकारी होकर के इस तरह का कोई कारोबार करे और यहाँ से दवाओं की स्मगलिंग की, और सबूत मिटाने के लिए ड्रग कंट्रोल ऑफिस में सैंपल्स की चोरी करवाई गई थी, इसकी पूरी संभावना है जी। कई नाम भी सामने आ रहे हैं शहनवाज, चाहे हम ऋतु सहाय ड्रग कंट्रोलर की बात करें, सुरेंद्र प्रसाद की बात करें, सुरेंद्र प्रसाद दागे रहे उसके बावजूद ये बड़ी जिम्मेदारी कई सवाल उठा रही है। बेशक बेशक, ये आज से 1.5 साल पहले की बात है जब पेंडेमिक 1 की शुरुआत हुई थी, और पेंडेमिक जब आया था तो स्वास्थ्य विभाग के पास पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन आनंद फानंद में रोज करोड़ 10 करोड़ की खरीदारी होती थी, रोज मैं कह रहा हूँ, रोज कुछ न कुछ सामान खरीदा जाता था। खुली छूट दी हुई थी सिविल सर्जन्स को क्योंकि बेड्स बनाने थे, अस्पताल का एक्सपेंशन करना था, किसी के पास टेबल नहीं है, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास लाइट नहीं है, किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो लोकल वेंडर से खरीद खरीद के और उस जमाने में फ्री छोड़ दिया गया था, कोई ऑडिट नहीं होती थी क्योंकि जान बचानी थी लोगों की। तो ऐसे में एक पत्र निकला था तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने एक पत्र निकाला, पत्र में इसका आशय यही था कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में दवाओं और यंत्रों की खरीद के लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें और भी लोगों के नाम थे, जिसमें एक नाम सुरेंद्र प्रसाद का भी था जी। और सुरेंद्र प्रसाद का जैसे ही नाम आया एक तूफान सा उठा, कई चर्चाएं होने लगी और तभी हमें मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति पूर्व में हुए चर्चित दवा घोटाला जो झारखंड में हुआ था उसका दागी और आरोपी रहा है ये, और किसी तरह इसने अपनी खाल को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया था, लेकिन बहुत दिनों तक सस्पेंड रहा और साइट रहा। और अब एक बार फिर चूंकि ऐसे व्यक्ति का रसख असर रसूख होता है, कमीशन का नेटवर्क को बहुत अच्छे से चला सकता है, अधिकारियों तक माल पहुंचा सकता है, इसलिए इस व्यक्ति को उस दवाओं की खरीद का कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। हर हैरत की बात है, वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बहुत ईमानदार माने जाते थे, और ये सिलसिला चलता है। और फिर तब जा करके बाद में जो कि बाप का घड़ा एक दिन फूटता ही फूटता है, तो बाद में उनके कारनामे चर्चा में आने लगे और खूब जम करके उस जमाने में भी खरीद में कमीशन की खोरी हुई, यहाँ से लेके दिल्ली तक से सामान मंगवाया जाने लगा और वहाँ दिल्ली में भी पैसे कमीशन के जाते थे, रांची के अधिकारी के पास पैसे दिल्ली होके पहुंचने लगे जी। इस व्यक्ति के जरिए, क्योंकि इसके पास नेटवर्क था, इसके पास पूरा का पूरा सिंडिकेट था। तो अब
देर से ही सही है। अगर सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, बन्ना गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं इस मामले में, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द जो है जितने लोग थे उस जमाने में और आज भी है जिनके जिनके आपने नाम लिए हैं, उन सबकी गर्दनें पकड़ी जाएंगी और फौरन सबको सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अरबों रुपए का घोटाला इन लोगों ने इन दो सालों में कर लिया है। बिल्कुल, चलिए उम्मीद है जी, उम्मीद है कि जब न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई तो उसका बड़ा असर ये हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अब जो है वो जांच के आदेश दिए हैं और 7 बिंदुओं पर जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज। और खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।